हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, लाइट कहाँ चला गया यहाँ का? तो अभी सारे काम तो हो चुके हैं, दोपहर हो गई है, अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे जाना है आंटी के घर आज भी, कल ना, मतलब मैं गई, जो कुछ देखना था वो देखा, बट आज श्रद्धा आई है। श्रद्धा से आप मिल चुके हो पहले, हम अद्विक भी आ गए, अद्विक कब से वहाँ पर ही था, तो अभी ये आया है, अभी ये आया है। तो एक्चुअली श्रद्धा आई है, इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। पता नहीं अभी हम लोग बाहर जाएंगे या क्या है, तो इस वजह से मैं अभी से रेडी हो गई हूँ। ओ श्रद्धा मासी आली, झोपले लिए तुझे हक करो तो थी पप्पी के तो थी तुला। अच्छा मम्मा अच्छा ठीक है, मैं देखो, जाके आ जाती हूँ मम्मा उसके ये बाद। देखो कैसे करता, हाँ वो देखा है आपने कल, तो चलिए फिर। वो देखो कैसे करता, वो देखो मम्मा, बहुत धूप है यार बाहर, बहुत धूप है। मम्मा देखो। हाँ गर्मी भी बहुत है। सो गाइज, यहाँ पर आ गए थे हम लोग पार्लर में, और श्रद्धा को ना हेयर कट करना था, तो इसी वजह से उसने उसको मेरा हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसी वजह से उसने वहाँ पर हेयर कट नहीं किया। तो बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर ही हेयर करना है जहाँ पर आपने किया है, तो इसी वजह से वो उसको लेके आ गई थी मैं यहाँ पे। एक्चुअली वो पुणे रहती है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता देती हूँ, वो पुणे में रहती है। तो ये कोरोना की वजह से वो यहाँ पर आ गई है, मतलब वहाँ पर सभी कंपनीज वगैरह को तो छुट्टियाँ, मतलब छुट्टी दे दी गई है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो लोग, तो इसी वजह से वो यहाँ पर आ गई है। और पुणे में बहुत ज़्यादा केसेस है कोरोना के, मतलब अदर सिटी के कंपैरिजन में, जैसे महाराष्ट्र में अदर सिटीज़ के कंपैरिजन में पुणे में बहुत ज़्यादा केसेस है, इसी वजह से पुणे की सारी कंपनी जो है वो बंद की गई है, और सभी को छुट्टियां दे दी गई है, मेस बंद है, सारी चीज़ें बंद है वहाँ पे। तो इसी वजह से कोई स्टूडेंट वहाँ पे नहीं रह रहा है, जहाँ के है वहाँ पर चले जा रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर आ गई है, मेरा भाई भी घर पे आ गया है, वो भी पुणे में रहता है, और मेरे मौसी का बेटा जो है वो भी पुणे में रहता है, वो भी आ गया है, वो पढ़ाई के लिए है वहाँ पे, एक्चुअली वो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहा है, तो इसी वजह से वो भी यहाँ पे आ गया है। तो सभी लोग जैसे वो यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट हो या जो कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं या कोई भी, तो अपने अपने घर पे आ रहा है, क्योंकि कंपनीज वगैरह बंद हो गई है, सारी चीज़ें बंद हो रही है, तो इसी वजह से बड़े सिटी में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहती है, और इसी वजह से मतलब जो भी कोरोना का ये है तो वो ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देता है असर। तो यहाँ पर हेयर कट हो गई थी श्रद्धा की, तो इस तरह से दिख रही थी। उसकी हेयर कट हो जाने के बाद हम लोग आए थे स्वीट लेने यहाँ पर स्वीट मार्ट में। एक्चुअली हमारे यहाँ पर रघुवीर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ के स्वीट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए थे स्वीट्स लेने। तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, मेरे मुँह में तो पानी आ ही रहा है अभी एडिट करने के टाइम, आपके मुँह में पानी आ रहा है कि नहीं ये ज़रूर बताना मुझे बहुत ज़्यादा। और हम लोग सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आजकल, मतलब एक्चुअली मास्क वगैरह लगा के गए थे, और उसको ज़रूरत थी और घर पे बोर हो रही थी, तो ये जो पार्लर है हमारे घर के थोड़े से पास ही है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे गए थे, और सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आजकल। आप लोग रख रहे हो कि नहीं ये ज़रूर बताना मुझे। हम लोग घर पे आए थे, फिर थोड़ा सा सामान वगैरह लेके, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फ्रूट कस्टर्ड खाने का मन कर रहा था उसे, तो हम लोगों ने फ्रूट कस्टर्ड बनाया, और फिर हम लोगों ने फ्रूट कस्टर्ड खाया। वो ना मेरे वीडियोस वगैरह देखती है, तो पिछली बार मैंने फ्रूट कस्टर्ड बनाया था तो उसको याद आई थी, तो उसने मुझे कॉल पर ही बताया था, तो इसी वजह से हम लोगों ने ना फिर अभी फ्रूट कस्टर्ड बनाया था। एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया था मेरे हाथों से बनाया हुआ फ्रूट कस्टर्ड, तो हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया था। और वो यहाँ पर आती है तो हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ये अंकल आंटी के घर पर ही बनाया था, मतलब उसके घर पर ही बनाया था। तो और ना फिर हम लोग शाम को आए थे, तो शाम को हमें भूख लग गई थी तो घर पे आ गए थे, तो यहाँ पर बन रही है रवा इडली, वो बोल रही थी कि कुछ खाने के लिए है क्या, तो हम लोगों ने रवा इडली बनाई थी। एक्चुअली रवा इडली बनाने के लिए, मतलब रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो किसी को बनाने आती होगी किसी को नहीं आती होगी, तो मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने लिया है रवा, मतलब सूजी, और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा दही, मतलब थोड़ा सा खट्टा होने के लिए दही, इंस्टेंट ये इडली है, मतलब रवा इडली जो होती है तो वो इंस्टेंट बनाई जाती है,
तो अगर आपके पास वो जो बैटर नहीं है इडली का, तो आप ऐसे रवा इडली बना सकते हो इंस्टेंट। और ये ना बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, जैसे कोई वेट लॉस वगैरह पे है तो ये वाली रवा इडली खा सकते हैं। अब वो वाली इडली थोड़ा सा वेट लॉस के लिए सही नहीं रहती है, बट ये वाली जो इडली है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसी वजह से आप ये वाली इडली बना के खा सकते हो वेट लॉस पे जो है वो वाले। और एक्चुअली यहाँ पर सारा बैटर जो है वो मतलब पानी डाल के आपको क्या करना है, थोड़ा सा रवा लेना है, सूजी जितनी चाहिए उतनी, उसमें ऐड करना है दही और उसमें नमक ऐड करना है, और वो पानी डाल के अच्छे से घोल बना लेना है उसका, जैसे इडली का जो बैटर होता है उसी तरह से। यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ इडली के बर्तन में भी, मतलब जो कढ़ाई है इडली की उसमें भी पानी डाल के रख रही हूँ, मतलब बॉयल होने के लिए। और फिर हम लोग उसमें जो इडली के स्टैंड में वो डाल देंगे इडली का बैटर, और फिर उसमें हम लोग वो करेंगे मतलब इडली डाल देंगे, तो इडली रख देंगे। और एक्चुअली यहाँ पर श्रद्धा भी मेरी हेल्प कर रही थी सारी चीज़ें बनाने में, तो वहाँ पर श्रद्धा जो है वो बैटर बना रही है। एक्चुअली उसमें अभी सोडा डालना बाकी है, तो उसमें थोड़ा सा सोडा डालेंगे और उससे वो थोड़ी सी इडली जो है वो अच्छे से फूलेगी इसी वजह से। और सोडा जो है वो आपको लास्ट में ऐड करना है, मतलब सारा बैटर रेडी हो जाने के बाद आपको सोडा लास्ट में ऐड करना है, और सोडा ज़्यादा नहीं ऐड करना है, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना है। और यहाँ पर इडली के जो स्टैंड है उसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग कर रही है वो श्रद्धा, थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर रही है, और ताकि जो हमारी इडली है वो चिपके ना इसी वजह से। और उसके बाद हम लोग उसमें जो इडली का बैटर है वो डाल देंगे, पहले उसमें थोड़ा सा सोडा डालूंगी मैं, इतना इतना हमने वो लिया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोडा ऐड करना है आपको, और अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है, एक साइड में फेंट लेना है, एक ही साइड में इस तरह से आपको फेंट लेना है एक ही डायरेक्शन में, और उसके बाद आपको इडली के स्टैंड में डाल देना है, और उसके बाद आपको उसे मतलब स्टीम आने देना है, और इडली हमारी रेडी हो जाएगी। और हाँ, एक जो बात है वो आपके साथ शेयर करनी थी मुझे, बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बट आपके साथ शेयर करनी है, मेरी खुशी आपकी खुशी है वो आपके साथ शेयर करनी है, बट अभी नहीं शेयर करूँगी, कुछ दिनों के बाद शेयर करूँगी, मतलब 2-4 दिनों के बाद शेयर करूँगी, क्योंकि अभी कुछ रीज़न की वजह से मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊँगी वो गुड न्यूज़, कुछ दिनों के बाद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मतलब मुझे जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी आपको भी होगी, और आप ब्लॉग में देख ही लोगे, तो वही गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है। और मैंने सोचा आज शेयर करती थी, बट जिनकी वजह से आज शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो जब भी शेयर करूँगी आप पता चल ही जाएगा, और आपके साथ शेयर तो करना बनता ही है। और हाँ, यहाँ पर मैं सांभर बना रही हूँ, एक्चुअली सांभर के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसी वजह से इंस्टेंट सांभर बना रही हूँ, और मार्केट वगैरह आजकल जा नहीं रहे ज़्यादा, तो इसी वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब ला नहीं रहे हैं, वो ड्यूटी से आते टाइम लेके आ रहे हैं, वैसे इतना कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब ड्यूटी से वो कभी लेट आ जाते हैं, तो कभी कुछ कभी कुछ, तो इसी वजह से जो मिलता है वो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पर गाजर था, तो वो मैंने थोड़ा सा पीसेस में काट लिया, और प्याज डाल दिया, गाजर के पीसेस डाल दिए, और उसमें फिर टोमेटो डाल दूँगी, और सिंपल सा सांभर बनाऊँगी, एकदम सिंपल सा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, फिर सांभर मसाला ऐड कर रही हूँ, और एकदम सिंपल सा सांभर बना रही हूँ, मतलब इंस्टेंट वाला, बहुत जान पे आ रहा था मेरे, बट उसके साथ सांभर भी चाहिए था इडली के साथ। श्रद्धा बोल रही थी चटनी बनाएंगे, बट चटनी की टेस्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती है सांभर के साथ, अगर इडली खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर के हुए टोमेटो भी ऐड कर दे रही हूँ, और बस इसी में मैं दाल ऐड कर दूँगी, मतलब डायरेक्ट तड़का लगाऊँगी, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, और थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दूँगी, तो बस इतना ऐड करने के बाद थोड़ी सी जो अरहर की दाल होती है हमारी, वो दाल मैंने यहाँ पर धो के रखी थी अरहर की दाल, और बस उसमें ऐड कर दूँगी, और सीटी लगा दूँगी वहाँ पर ही, मतलब पूरा मतलब क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा तड़का लगा दिया है मैंने उसमें, और डायरेक्ट जो सांभर है हमारा बन के रेडी हो जाएगा। बस बॉईल करना है आपको, 2-4 सीटियाँ लगा लेनी है, हल्दी ऐड करनी है, फिर आपको ऐड करना है क्या बोलते हैं, लाल मिर्च पाउडर, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, और बस हो गया, फिर हमारे मिक्स कर लेंगे, और इसको सीटी लगा देंगे जितनी चाहिए, मतलब आपको पता होगा कि कितने सीटी में आपकी जो दाल है वो पक जाएगी। और यहाँ पर मेरी जो इडलीज़ है वो रेडी हो चुकी थी,
और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है यार इडली, मतलब रवा इडली अगर आपने नहीं बनाई हो तो इस तरह से बना के देखना, जल्दी बन जाती है। और जो इडली का मज़ा होता है मतलब खाने का, अगर आपको इंस्टेंट इडली खानी है तो वहाँ पर तो आपके पास तो बैटर नहीं होगा, तो आप रवा इडली बना के जो इडली का मज़ा है वो ले सकते हो, रवा इडली। और यहाँ पर बन चुकी थी हमारी इडली भी और सांभर भी, तो मैंने ले लिया था हम एक प्लेट में और फिर हम लोगों ने खा लिया था। तो इस तरह से बना है हमारा इडली सांभर। आज है संडे, कल का व्लॉग जो है वो मैं बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर पाई। कल मैंने एक व्लॉग मतलब वीडियो शूट किया था जो कोरोना वायरस के उपाय के लिए था, तो वो मैंने सोचा जो वो जाना ज़रूरी है, इसी वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। मुझे सडनली याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है उसके लिए, तो इसी वजह से मैं सारा कुछ छोड़ के मैंने वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया था। वीडियो बनाया, वो एडिट किया, वो डाला, तो एक बज गए थे, एक या डेढ़ बज गया था वीडियो अपलोड होने के लिए, बट मैंने उसी टाइम अपलोड किया क्योंकि ज़रूरी था वो वीडियो बनाना और ज़रूरी था आपके तक इन्फॉर्मेशन भेजना। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जो मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया उसके लिए। तो आपने देखा कि नहीं ज़रूर बताना मुझे, और हाँ आप कर रहे हो कि नहीं सारे उपाय वो भी ज़रूर बताना मुझे, आप कुछ अलग कर रहे हो उसके अलावा तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, आप क्या क्या कर रहे हो कोरोना से बचने के लिए। मैं तो जो कर रही हूँ मैंने आपसे वो शेयर कर ही दिया है उस व्लॉग में, मतलब उस वीडियो में, तो आपने देखा कि नहीं, और नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हो सकता है वो वाला वीडियो। और हाँ मैं थोड़ा सा आज मुझे मेरा फेस अजीब सा लग रहा है और थोड़ा सूजा सूजा लग रहा है क्योंकि थोड़ा पीरियड की वजह से मेरा पेट भी दर्द कर रहा था सुबह से, तो इसी वजह से मैं आज कोई भी व्लॉग नहीं बनाया मैंने, मैं कल का ही व्लॉग जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। आज बिल्कुल कोई भी व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। शाम को क्लैपिंग की कि नहीं आपने ज़रूर बताना मुझे, 5 बजे शाम को क्लैपिंग सभी ने की होगी, सभी ने सपोर्ट किया होगा मोदी जी को, सभी ने क्लैपिंग तो की ही होगी, तो हमने की बट शूट नहीं कर पाई यार, आज कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सुबह से मैं अब भी फ्रेश हुई हूँ, मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा है मेरा इसी वजह से, मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं कर पाए। और बच्चे भी घर पे है, और हाँ आज इनकी ड्यूटी थी, ये घर पे नहीं थे, आज कर्फ्यू था, इतना बड़ा कर्फ्यू था, बट आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि इनकी ड्यूटी हमेशा रहती है और इनको कभी छुट्टी नहीं रहती है, तो आज भी इनको जाना पड़ा क्योंकि आज जो भी लोग बाहर दिख रहे थे पुलिस लोगों को, तो वो उस पर एक्शन ले रहे थे, मतलब उन पर एक्शन ले रहे थे जो भी लोग बाहर दिख रहे थे, एक्चुअली दिखे सभी लोगों ने पालन किया कर्फ्यू का, बट उनकी ड्यूटी ही ऐसी थी कि जो भी लोग दिखेंगे उनको उनके ऊपर एक्शन लेने की, तो इसी वजह से इनको ड्यूटी जाना ही पड़ा। मतलब मुझे आज लगा भी नहीं था कि इनकी ड्यूटी होगी, मैंने रात को पूछा ही नहीं उनसे, मुझे लगा था कि आज इनकी ड्यूटी नहीं होगी, आज कर्फ्यू है तो ये घर पे रहेंगे, बट ये सुबह सुबह जब रेडी हुए ड्यूटी जाने के लिए तो फिर मैं शॉक में आ गई कि अरे यार आज भी इनकी ड्यूटी है। तो मैंने इनसे जब पूछा तो बोले कि नहीं आज ड्यूटी, तो आज तो उनकी ड्यूटी मतलब सख्त ड्यूटी थी, तो इस वजह से ये दोपहर मतलब चार वगैरह बजे आए होंगे ड्यूटी से, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्लैपिंग वगैरह की, तो उस टाइम बिल्कुल मेरा मूड नहीं था शूट वगैरह करने का, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं किया और सॉरी उसके लिए, बट अभी मैं फ्रेश हुई, मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, मतलब अभी आपसे बात करना ज़रूरी है। और हाँ आज रिचार्ज करने के लिए बोला था मैंने, तो इन्होंने रिचार्ज भी कर दिया। रिचार्ज किया क्या आपने? क्योंकि अभी टीवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है यार, क्योंकि घर पे सभी लोग घर पे है, बच्चे भी घर पे है, बच्चे तो मोबाइल में थोड़ा सा गेम वगैरह खेल रहे हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे इसी वजह से, आओ बच्चे गेम खेल रहे हैं, बच्चों को बाहर नहीं जाने दे रहे, तो और लेकिन मतलब मेरा थोड़ा सा गिटार बजा रहे हो? गिटार नहीं है वो, पियानो है, पापा ठीक कर रहे हैं, मतलब उसमें सेल डाल के दे रहे हैं उसको पियानो में, जो उसका बड़ा पियानो, हाँ हाँ दिखाओ, पियानो है वो बेटा, तो पियानो में सेल डाल के दे रहे हैं उसे, थोड़ा सा वो बिजी हो जाए इसके लिए। और टीवी का रिचार्ज भी मतलब एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर टीवी का रिचार्ज भी कर रहे हैं अभी, टीवी का रिचार्ज कर देंगे उसके बाद फिर हम लोगों को सही हो जाएगा, टीवी वगैरह थोड़ा सा देखेंगे, न्यूज़ वगैरह पता चलेगी तो अच्छा रहेगा, अभी फ़िलहाल तो न्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
अब तक तो चल रहा था काम मोबाइल से, अब तक यूट्यूब से या सारी चीज़ों से पता चल रहा था, बट अभी लग रहा है कि टीवी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो टीवी का रिचार्ज भी कर देंगे। और आप लोगों को पता है कब से रिचार्ज नहीं किया है टीवी में, और हो रहे होंगे जब से माही फिफ्थ में गई है तब से रिचार्ज नहीं किया था। और हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि माही कौन से क्लास में है, कौन से क्लास में है, तो माही है फिफ्थ में, अभी सिक्स में जाएगी, और उसके जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल ही हो गई है इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। अभी पहले पोस्टपोन का वो आया था, मैसेज आया था उसके स्कूल से, बट अभी पोस्टपोन नहीं हुई, कैंसिल ही कर दिए उन लोगों ने, एग्ज़ाम होगी नहीं इस साल की, डायरेक्ट वो सिक्स में जाएगी। तो इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। और हाँ, आप लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो कोरोना के लिए, मुझे भी ज़रूर बताना। आप कुछ अलग कर रहे होंगे, और आपने नहीं वीडियो देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसी वजह से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। तो क्या ये वाला पियानो है अद्विक का, तो इसमें सेल डाल रहे हैं अब। तो चले फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये हाँ तो ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, हाँ आई होप आपको ये मोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। इकड़े सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।